जयप्रकाश नारायण, पॉपुलरली नोन एज लोकनायक, मींस द हीरो ऑफ द पीपल, एड्रेस द नेशन थ्रू हिज फेमस स्पीच मैसेज टू द नेशन। जयप्रकाश नारायण जो थे बहुत ही कमाल के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, रिफॉर्मर थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उसको उसका तख्ता पलट करने के लिए। और जिसी की वजह से, इन्हीं के एफर्ट्स के कारण जो भारतीय जनता पार्टी थी वो आई थी सत्ता में, आई थी फाइनली। और उन्होंने ये इनसे रिक्वेस्ट की थी जयप्रकाश नारायण से, जेपी नारायण जिन्हें हम जानते हैं नॉर्मली, जेपी नारायण से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वो नेशन को एड्रेस करे। उस टाइम पे वो हॉस्पिटल में थे, बीमार थे काफी, और ये जो मैसेज है उन्होंने अपने सिक बेड से लिखा था। इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया गया था April 13, 1977 को, और उन्होंने इसी के थ्रू जो है एड्रेस किया था नेशन को कुछ बेसिक मुद्दों के ऊपर जो उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग चलाए थे। टोटल रेवोल्यूशन का नारा जो उन्होंने दिया था अपने टाइम पे, उसी के रिगार्डिंग डिस्कस किया था उन्होंने इसी के थ्रू, इस मैसेज के थ्रू ऑडियंस को। और ये जो मैसेज है, ये जो पूरा ऐसे है, ये अब पार्ट है उन्हीं की लिखी हुई एक बुक का जिसका नाम है प्रेजेंट डायरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे को जिसका नाम है मैसेज टू द नेशन, और जिसे लिखा है जेपी नारायण ने। जेपी नारायण बोर्न 1902 डाइड 1979 वाज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल लीडर, पॉपुलरली नोन फॉर लीडिंग द राइट्स अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन द 1970s, फॉर हूज ओवरथ्रो ही कॉल्ड अ टोटल रेवोल्यूशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1999 में ही ऑल्सो गोट द भारत रत्न अवार्ड, द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, एंड अलॉन्ग विद दैट ही हैज ऑल्सो रिसीव्ड सेवरल ऑनर्स इन हिज नेम, लाइक द पटना एयरपोर्ट एंड मौलाना आजाद हॉस्पिटल इन दिल्ली, and also the Chapra Express train, these all are named after him in his honor. तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उनके ऐसे की, मैसेज टू द नेशन बाय जेपी नारायण। तो दोस्तों अगर ऐसे की बात करें तो ऐसे की उन्होंने शुरुआत की थी राइट टू रिकॉल नाम के एक शब्द से। राइट टू रिकॉल नाम का मतलब है कि अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर है, मतलब प्राइम मिनिस्टर है, या फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो अच्छा काम नहीं कर रही है, जो इनएफिशियंट है अपने काम में, या जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रही है और लोगों के साथ अच्छे तरीके से डील नहीं कर रही, मतलब लोगों के फेवर में अगर कोई सरकार काम नहीं कर रही है, अगर कोई लीडर काम नहीं कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो अपने 5 सालों तक, जब तक उसका कार्यकाल है तब तक वो रहे। ठीक है, लोगों को एक अनरिटन ऐसा हक होता है राइट टू रिकॉल का, हालांकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं दिया गया है कि किसी को आप ओवरथ्रो कर सकते हो, लेकिन लोगों के पास एक अनरिटन ऐसा लॉ होता है जिसको कि वो जब चाहे वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब चाहे वो पावर में ला सकते हैं, काम में, कार्य में ला सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कोई गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिकल लीडर उनके हित में काम नहीं कर रहा है और उसकी जो सरकार है वो करप्ट है, उसकी नीतियां करप्ट हैं, और वो कहीं ना कहीं भारत देश के लिए या लोगों के लिए, भारतीय जनता के लिए सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम राइट टू रिकॉल वाला जो लॉ है, जो रिटन में नहीं है लेकिन हम उसे एक्सप्रेस, उसे पावर में हम यूज कर सकते हैं अगर हमें ऐसा लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ 10-15 लोगों को लगे, कुछ डिसग्रंटल पीपल को लगे कि ये बंदा अच्छा काम नहीं कर रहा है, या ओपोजिशन लीडर को ऐसा लगे कि ये काम अच्छा नहीं कर रहा है, तो फिर वो उसको उसका रेजिग्नेशन डिमांड कर सके। लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर इन द फेवर ऑफ ओवरथ्रोइंग दैट गवर्नमेंट, सो दैट टाइम दिस कैन बी एक्सरसाइज्ड। ओके, अगर बहुत सारे लोगों को ये चीज लग रही है कि वाकई में वो सरकार गलत है और वो गलत पाई भी जाती है, तब उनके पास एक अनरिटन ऐसा लॉ होता है जिसको कि वो एक्सरसाइज में ला सकते हैं और उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सकते हैं। हालांकि किसी लीडर को उसकी टेन्योर होने से पहले ही हटा देना, ये कहीं ना कहीं अनार्किक साउंड करता है, लेकिन दोस्तों अब जो है ये चीज नॉर्मल होती जा रही है, जब मीन विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये चीज नॉर्मल होती जा रही है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर जो है अपने आप को कभी कभार खुदा भी समझने लग सकते हैं, तो फिर उनको ये एहसास दिलाने के लिए इस चीज की जरूरत भी है। इसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दी थी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, जिनको रेजिग्नेशन करना पड़ा था आफ्टर द वॉटरगेट स्कैंडल जो कि यूएसए में हुआ था, जिसके बाद उन वहां के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को वहां पे रेजिग्नेशन रिजाइन करना पड़ा था अपनी पोस्ट, प्रेसिडेंट की पोस्ट, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। तो दोस्तों ये जो मूवमेंट थी जिसे जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन के नाम से शुरू किया था, वो अगेंस्ट थी पॉलिटिकल एंड द
करप्टेड गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, लेकिन उन्होंने बोला था कि अगर फ्यूचर टाइम में भी ऐसी चीजें होने से रोकनी है तो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज लाइक द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, हमें ऐसी बॉडी को ऐसी सेट करनी चाहिए जो पर्टिकुलरली जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, उनके काम के ऊपर ध्यान रखे। अगर वो कोई करप्ट काम कर रहे हैं, कोई करप्शन कर रहे हैं, या वो यू नो किथ एंड किन्स को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अपने ही सारे लीडर्स पार्टी में ला रहे हैं अपनी फैमिली के ही, तो कहीं ना कहीं इस चीज को रोकने के लिए हमें एक लोकपाल को सेटअप करना चाहिए, जैसे कि स्वेडिश एकेडमी में, स्वेडिश देशों में, स्वीडन में यू नो एक ओम्बड्समैन काम करता है। लेकिन ओम्बड्समैन हमारे भारत में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वीडन छोटा देश है और भारत बहुत बड़ा देश है। तो भारत में एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी ही, जिसमें कम से कम 5 लोग हों जो सेंटर पे गौर रखें, और ऐसे ही यू नो ऐसे ही कुछ लोकपाल या लोक आयुक्त स्टेट में भी होने चाहिए जो स्टेट के जो गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर कार्यरत करें, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, ताकि आने वाले टाइम पे जब भी कोई करप्शन हो तो उसे रोका जा सके, टाइमली रोका जा सके उसे। लेकिन दोस्तों सबसे बुरी बात यह है कि जयप्रकाश नारायण को गए हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी ऐसा कोई लोकपाल लोक आयुक्त जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन लीडर्स के अगेंस्ट ही चला जाएगा। जब भी कोई लॉ पास होता है तो उसको लीडर्स ही या वहां की गवर्नमेंट्स ही कॉन्स्टिट्यूशन में पैदा करती हैं, पास करती हैं, लेकिन ये लीडर्स ऐसा कोई रूल क्यों पास करेंगे जिससे कि उनकी करप्शननेस जो है खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं इसको फॉलो ना करना वो भी हमारे हाथ में तो नहीं है, जो भी हम लीडर्स को पास करते हैं वो भी इस चीज को पास कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों करेंगे, ये तो उन्हीं के अगेंस्ट हो गया ना फिर, तो वो अपने अगेंस्ट ही चीज को ही क्यों करेंगे। इसके अलावा जेपी नारायण ने इलेक्टोरल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी रिफॉर्म करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। उनका मानना था कि इलेक्शन जो है वो चीप होने चाहिए, और उनमें जो बहुत ज्यादा खर्चा होता है, जो अनफेयर मीन से इलेक्शन जीते जाते हैं, मतलब कास्ट और रिलीजन को लेकर जो हम लड़ाइयां लगाते हैं, जो दंगे हो जाते हैं इलेक्शन से पहले, जिसकी वजह से वोट्स लिए जाते हैं, या फिर पैसा यूज करके शराब देके इस तरीके से जो वोट लिए जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं जो है गलत लोग राजनीति में आ जाते हैं, और फिर जो है वो गलत लोग अगर राजनीति में आएंगे तो फिर अच्छा काम देश के लिए कैसा हो सकता है। तो उन्हें उनका मानना था कि इस चीज को खत्म करना होगा हमें, और जो राइट काइंड ऑफ पीपल है वो ही राजनीति में या पॉलिटिकल यू नो पॉलिटिकल एरिया में आने चाहिए। और इसके लिए उनका ये भी मानना था कि पढ़े लिखे लोगों को ही राजनीति में आना चाहिए, और ऐसे लोगों को राजनीति में अलाउ नहीं करना चाहिए जो कि जिनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केसेस हो। लेकिन सेम वही बात मैं वही बोलूंगा कि आज भी क्रिमिनल केसेस वाले लोग बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में हैं, और अनपढ़ लोग भी बहुत सारे राजनीति में आपको मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका ये भी रिफॉर्म जो है उसको हमने आज तक भी एस्टेब्लिश हम नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की ये उस जगह पे भी हमारी गवर्नमेंट की अब भी कमी है जो हमें दिखाई देती है। एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिफॉर्म है उसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा था कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कहीं ना कहीं लोगों के पास लेके जाना होगा। मतलब ऐसा होता है कि जब लोग इलेक्शन आते हैं तब तो नेता बहुत आम जनता के पास घूम के वोट मांगते हैं, लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने इलीट हाउसेस की तरह रहने शुरू कर देते हैं। मतलब जैसे कि ये जो हमारा सिस्टम है ये हमने ब्रिटिश लोगों से लिया है, तो ब्रिटिश लोग भी अपने जो अपने ही महलों में रहते थे है ना, वही काम करते थे। आजकल के नेता जो है वो भी यही काम करते हैं, इलेक्शन जीते हैं और बाद में फिर अपने यू नो अपने महलों में जाके बैठ जाते हैं, तो ग्राउंड वर्क वो बहुत कम करते हैं। तो उनका मानना यह था कि जो ग्राउंड वर्क है उसको ज्यादा करना पड़ेगा, लीडर्स को कॉमन जनता के साथ, कॉमन मैन के साथ रेगुलरली बातचीत, रेगुलरली उन्हीं के बीच रहना चाहिए, ताकि वो समझ सके उनकी प्रॉब्लम्स को, जो आम लोग हैं, आम जनता है उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सके और उनका निपटारा कर सके। इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में भी बात की है। उन्होंने उनका मानना था कि एजुकेशन रिफॉर्म्स भी जरूरी हैं, क्योंकि जो भारत का यूथ है अगर वो एजुकेटेड होगा तभी वो भारत की जनता को आगे ले जाएगा, भारत की तरक्की को आगे ले जाएगा। और उनका ये भी मानना था कि बहुत सारे कमीशन जो है एजुकेशन कमीशन सेट कर दिए गए हैं, लेकिन अब समय है कि उनने जो भी यू नो कमीशन्स ने जो भी अपनी धारणाएं दी थी, अपने जो भी रिजल्ट दिए थे उसको निकाल के उनको कहीं ना कहीं उनकी जो सुझाव है उनको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें कोठारी कमीशन ने जो सुझाव दिए हैं 10+1, 10+2, 10+3 वाले पे उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा उन्हें उनका ये भी मानना था कि एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, और एक पॉइंट तक की एजुकेशन, मतलब 12 से 14 साल तक की जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए और वो सभी को ही मिलनी चाहिए। उसके अलावा उनका मानना था कि हमें जो है एजुकेशन में बहुत सारे रेडिकल बदलाव करने की जरूरत है,
और हमें जो हमारे यूथ हैं उनको ऐसे तरीके की एजुकेशन देनी चाहिए कि या तो वो अपनी यू नो या तो वो जॉब के लिए हो, जॉब कहीं ना कहीं उन्हें मिल सके, या फिर उन्हें लाइफ का कुछ पता चले कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है, जिंदगी में कैसे सर्वाइव किया जाता है। हमारी जो प्रेजेंट एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं डिग्रियां दे दी है लेकिन जॉब या फिर कोई स्किल सेट हमारी एजुकेशन से हमें नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी को वो चीज बढ़ाती है। उनका ये मानना था कि हमें जो है एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए चाइना के मॉडल को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, जब वहां के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो फिर वो विलेजेस में या स्लम्स में जाते हैं और फिर वहां के बच्चों को या बूढ़ों को पढ़ाते हैं और इस तरीके से उन्हें एक तरह से थोड़ा सा अर्निंग भी हो जाती है और फिर जो देश के स्लम्स हैं, विलेजेस हैं, यहाँ पे स्कूल्स उतने अवेलेबल नहीं है, उतनी ज्यादा एजुकेशन अच्छी अवेलेबल नहीं है और उनका भी बेहतर हो सकता है और जो हमारा बेरोजगार जो यूथ है उसको भी कहीं ना कहीं एक तरह से काम मिल जाता है। तो इस तरह के मॉडल्स को उनका मानना था कि फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा उनका ये मानना था कि एजुकेशन रिफॉर्म्स में जो बढ़िया यू नो जो जिनको इस बारे में नॉलेज है वो अगर इसके ऊपर ज्यादा सुझाव देंगे तो उससे बेटर ज्यादा सीखा जा सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस फील्ड की ओर से। फाइनली जेपी नारायण का मानना था कि उन्होंने पहले जो दी गई हैं चीजें इनका तो ठीक है लेकिन इसके साथ जो 1970s में स्टूडेंट्स और लोगों ने मूवमेंट चलाई थी गवर्नमेंट के खिलाफ उसे उन्होंने नाम दिया था टोटल रेवोल्यूशन का। उन्होंने बोला था कि जो मैंने पहले रिफॉर्म बिताए हैं इसके साथ साथ कुछ और भी रिफॉर्म्स हैं जिसको हमें लागू करना पड़ेगा। उनका मानना था कि भारत की जो संस्कृति है उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिनको हमें संभाल के रखना पड़ेगा, उस हेरिटेज को हमें अपने आपके पास संभाल के रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे सोशल इविल्स हैं, सोशल रिफॉर्म्स हैं जिनको अपनाना बहुत जरूरी है, जिनको अपनी सोसाइटी से रूट आउट करना बहुत जरूरी है। वो कुछ ऐसे सिस्टम है जैसे कि सुपरस्टिशंस हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया या फिर रॉन्ग वैल्यूज हो गई, रॉन्ग कस्टम्स हो गई, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनका मानना था कि सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। सबसे बुरा उन्होंने सोसाइटी के लिए माना था कास्ट सिस्टम को जो कि अभी भी प्रेविलेंट है हमारी कंट्री में। उनका मानना था कि ये कहीं ना कहीं एक ब्लोट है हिंदू धर्म पे, हिंदू सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा धब्बा है ये और जितनी जल्दी हम इसको दूर कर सकेंगे उतना ही बेटर रहेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जो कास्ट सिस्टम है इसको बहुत सारे 2000 सालों से लगातार ये चला आ रहा है और महात्मा बुद्ध के टाइम पे से इसको कहीं ना कहीं खत्म करने की मेन लीडरों के द्वारा, मेन सोसाइटी के जो भगत हैं या फिर बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े गुरु रहे हैं, उन्होंने इस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की है लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में परसिस्ट करता है और जितनी जल्दी हम इस सिस्टम को खत्म कर देंगे उतना ही हमारी सोसाइटी के लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में कुछ सोशल कस्टम्स हैं, कुछ सोशल रीति रिवाज हैं जो अभी भी प्रेविलेंट हैं, जो कि मैरिज को लेके, जाति को लेके, बर्थ को लेके, डेथ को लेके, जो अभी भी हमारी सोसाइटी में चले आ रहे हैं और उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी अभी भी पिछड़ी हुई है। और उनका ये मानना था कि हम इसको जितनी जल्दी खत्म कर देंगे उतना ही बेहतर रहेगा और ये यूथ की पावर है, इन चीजों को खत्म करने के लिए हमारे जो नौजवान हैं उनको यूज करना चाहिए और कहीं ना कहीं वो ही अगर इस चीज की ओर काम करेंगे तो ये हमारे देश के लिए, हमारे नेशन के लिए और उनके खुद के लिए भी बहुत बेटर रहेगा। आखिर में जेपी नारायण जी कहते हैं कि अगर गॉड ने उन्हें अच्छी सेहत दी, अगर वो दोबारा ठीक हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो फिर वो इस टोटल रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग और काम करना चाहेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मीनवाइल इसके रिगार्डिंग जो है काम रुकना नहीं चाहिए, काम लगातार टोटल रेवोल्यूशन की ओर होते रहना चाहिए और अगर वो जल्दी ही ठीक हुए तो फिर वो भी ग्राउंड वर्क आगे इसकी ओर और ज्यादा काम करना चाहेंगे। लेकिन मीनवाइल अगर यूथ को उनकी कोई भी एडवाइस, कोई भी सलाह, कोई भी सहायता की जरूरत पड़ती है तो वो उनसे कभी पूछ सकते हैं, वो अपनी सहायता, सलाह या फिर कुछ भी जितना वो कर सके वो उतना जरूर करेंगे। जेपी नारायण ने अपने ऐसे की जो अंत था उसे एक नारे के साथ, एक स्लोगन के साथ खत्म किया था जो उस मूवमेंट के दौरान बहुत ही फेमस हो चुका था। वो नारा था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, विच मीन्स दैट आवर स्लोगन इज टोटल रेवोल्यूशन एंड द फ्यूचर हिस्ट्री बिलोंग्स टू अस। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरह लिटरेचर से जुड़ी वीडियोस हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।